चास अनुमंडल कार्यालय के समक्ष धरने पर बैठे विधायक अमर कुमार बावरी। बोकारो जिले के चंदन क्यारी विधानसभा के चास प्रखंड स्थित चंदहा पंचायत में एक मामला जमीन अतिक्रमण को लेकर सामने आया, जहां साल 2018 से चास अनुमंडल कार्यालय में मामला चल रहा था और इस मामले में मंदिर पक्ष के लोगों को न्यायालय से डिग्री मिली थी। इसके बाद अतिक्रमण किए हुए 5 लोगों को हटाने की गुहार मंदिर कमेटी के ग्रामीणों के द्वारा जिला प्रशासन से की गई, लेकिन ग्रामीणों और विधायक अमर बावरी की माने तो जिला प्रशासन अतिक्रमण हटाने को लेकर बार बार टाल मटोल करती रही, जिसको लेकर मंगलवार को ग्रामीणों में रोष देखा गया, जहां ग्रामीणों ने चास स्थित एसडीओ कार्यालय का घेराव कर दिया। वहां पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की काफ़ी संख्या देखने को मिली, जो नारेबाजी करते हुए धरने पर बैठ गए। इसके बाद चंदन क्यारी के भाजपा विधायक अमर बावरी मौके पर पहुंचे और वो भी धरने पर बैठ गए। ग्रामीणों के साथ विधायक को धरने पर बैठे हुए देख अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, जिसमें चास एसडीओ, चास सी और चास एसडीपीओ के द्वारा विधायक की वार्ता हुई और 7 अगस्त तक का समय दिया गया, जिसमें चास एसडीओ दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने कहा कि इस मामले को लेकर विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण किए हुए जगह को खाली कराने का काम किया जाएगा। वहीं विधायक अमर बावरी ने कहा कि बार बार कहने के बाद भी जिला प्रशासन के द्वारा कोई सुध नहीं ली जा रही थी, ऐसे में आज धरने पर उन्हें बैठना पड़ा। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन के द्वारा समय दिया गया है, अगर समय पर कार्रवाई नहीं होती है तो चंदन क्यारी की जनता खुद कार्रवाई करने के लिए उतरेगी, जिसकी सारी जवाबदेही सरकार और जिला प्रशासन की होगी। बोकारो से विजय आनंद की रिपोर्ट। बिहार में बहुसंख्यक हिंदू समाज को इसी तरह से सड़क पर चाहते हैं कि लोग बैठे रहे। सरकार तुष्टीकरण की राजनीति में, वोट बैंक की राजनीति में इतनी इंडल्ज हो गई है, इतना वो घुसा हुआ है उनके जीवन में। कई एक उदाहरण है। अब चंदन क्यारी में चंदहा पंचायत है, गांव है, वहां शिव के मंदिर है। पहले डेमोग्राफी वहां कुछ दूसरा हुआ करता था, अभी डेमोग्राफी दूसरा हो गया है, अभी मुस्लिम बहुलता ज्यादा हो गई है। हिंदुओं के मंदिर पे अतिक्रमण रखा हुआ 2018 साल से, उस अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए ग्रामीणों ने बकायदा कानून का सहारा लेकर वाद चलाया सीओ के ऑफिस में। सीओ के ऑफिस के बाद फिर जो है कोर्ट में गया, और कोर्ट में जाने के बाद वो हमको न्याय मिला, और न्याय मिलने के बाद अतिक्रमण मुक्त कराने का आदेश आया जिला प्रशासन। जिला प्रशासन ने सहजता से यह कार्रवाई करना था, लेकिन ये सरकार जो है, ये सरकार में इस तरह से कोई काम करना ऐसे अफसरों को सूली पे चढ़ाने जैसा हो जाता है, जो सरकार के जो मेन एजेंडा है उससे बाहर जाके आप कैसे काम कर लेते हैं। तो ग्रामीणों ने अपना प्रोटेस्ट जारी रखा, क्योंकि अपने ईश्वर का मामला है, भगवान का मामला है, और सारे लोग आए, सीओ अंचल के ऑफिस को घेराव किया, हम भी आ गए, बुलाया हमको भी, तो हम भी आ करके यहाँ एसडीओ साहब के पास आए। तो एसडीओ साहब ने तुरंत ये बात है कि वो समय निकाल दिया, चिट्ठी निकाल दिया, अतिक्रमण मुक्त करने की चिट्ठी निकाल दी। लेकिन दूसरे दिन फिर उन्होंने फोन किया कि भाई जिन अतिक्रमणकारियों को हम लोगों ने चिट्ठी सर्व किया है हटाने के लिए, वो लिखित में दे रहे हैं कि 1 सप्ताह के अंदर हम लोग खुद से इसको खाली कर देंगे। तो हम लोगों ने कहा कि भाई चलो, सबसे बात करने के बाद ये ठीक ही है, अगर यदि वो अपने मन से हटा देता है तो इतना फोर्स और इतना हुज्जत करने का क्या दरकार है, हटा दे। हम लोग भी चाहते हैं शांति पहला प्राथमिकता है, शांति होना चाहिए। लेकिन वो 7 दिन पार होने के बाद यहाँ जिले के अंदर बिस्तरी का मीटिंग था, आलमगीर आलम साहब जो माननीय मंत्री हैं, वो यहाँ के प्रभारी मंत्री हैं, वो आए, और आने के बाद जैसा सूचना मिला कि उन्होंने मौखिक रूप से प्रशासन को कह दिया कि भी ये कार्रवाई नहीं करनी है। अब ये तो पराकाष्ठा है तुष्टिकरण की, ये पराकाष्ठा है कानून के वायलेशन की। एक मंत्री रह करके यदि इस तरह से, आपको पूछना चाहिए कांग्रेस के लोगों से, आपको कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष इसी जिले से हैं, उनको पूछना चाहिए कि भाई ये तुष्टिकरण कब तक चलेगा, हिंदू के ऊपर कब तक इस तरह से अत्याचार आप लोग करेंगे इस सरकार के अंदर, इस राज्य के अंदर। हम लोगों ने कानूनन जीत प्राप्त किया था और आप हमको न्याय नहीं दे रहे हैं। कई एक बार हम लोगों ने भी बात किया, बहुत बार टालने का प्रयास किया प्रशासन ने, लास्टली सारे ग्रामीण आज उग्र होकर के यहाँ पे एसडीओ के सामने बैठे। मैं भी रांची से चल करके आया हूँ इनके साथ। ग्रामीणों का सीधा डिमांड है कि भाई ये परिस्थिति जो खड़ा करने का जिम्मेवार आप ही लोग हैं, आप यदि कानून का पालन कर देते तो फिर नहीं होता। जैसा दीदी कह रहे, ठीक है भाई, आपने जो लिख के दिया है, अगर यदि ऑर्डर दिया है तो लिखित में बताइए जो ऑर्डर आया है क्या, इसको रोकने का कौन कानून ने रोका है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे।
लेकिन किसी ने तो लिख करके नहीं दिया, तो फिर आप क्या, हमने कहा है कि भाई आप लिखित में दीजिए कब आपका। इनका कहना है कि भाई अभी मुहर्रम भी है, अभी श्रावणी मेला में फोर्स भी गया हुआ है, तो एक समय चाहते हैं। हम बोले जो भी समय चाहते हैं, एक और बार समय देने के लिए हम लोग सब तैयार हैं, लेकिन हमारा मंदिर मुक्त होना चाहिए। और अगर इसके बाद कोई यदि चालाकी होती है, जो 7 तारीख का डेट रख रहे हैं अगस्त का, अगर उसके बाद कोई चालाकी होती है तो फिर उसके बाद जो स्थिति परिस्थिति पैदा होगी उसकी पूरी जिम्मेवारी राज्य सरकार और यहाँ के स्थानीय प्रशासन की होगी। वो हम लोग इसके बाद जो डेट देंगे वो डेट में कार्रवाई नहीं होती है तो अगले डेट में जनता की कार्रवाई होगी। हम लोग पूरा चंदन कैरी वहां जाने के लिए। वाद चला था, अतिक्रमण वाद चला, और उसके अंदर भी जो फैसला है, जो अतिक्रमणकारी है उनके अगेंस्ट में, उसके बाद में हम लोगों ने इनको जून के महीने में एक डेट दिया था। उसके बाद उन्होंने समय मांगा कि हम लोगों को समय दिया जाए ताकि हम लोग दूसरी जगह पर रहने की व्यवस्था कर सकें, अपने आप को शिफ्ट कर सकें। और उसके बाद में उस आग्रह पर हम लोगों ने भी अपने ऑर्डर को डेफर किया, लेकिन उसका कंप्लायंस हुआ नहीं। तो आज यहाँ पर चंदन कैरी विधायक और साथ में चंदा के कुछ ग्रामीण अनुमंडलीय कार्यालय आए, और उन लोग को हम यही आश्वासन दे रहे हैं कि इसको हम लोग विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए इसको हम लोग क्लियर कराएंगे, जो भी लीगल है न्याय सम्मत है। थैंक यू।